क्या हुआ? ओ, लगता है नाव के नीचे कोई भारी चीज टकराई है। मैं जिन हूँ, मैं एक शंख में कैद था, लेकिन तुम्हारी नाव से टकरा कर वो शंख टूट गया और अब मैं उस शंख से बाहर आ गया। लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो? तुम्हारी नाव में सवार ये तीन लोग एक एक करके इस नदी में कोई सामान फेंकेंगे। अगर मैं उस सामान को ढूंढ लाया तो मैं फेंकने वाले को मार दूंगा। अगर मैं उस सामान को ढूंढ पाने में नाकाम हुआ तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो मैं शहजादे जैसे दिख रहे इस नौजवान से शुरुआत करता हूँ। मैं मुड़ रहा हूँ, तुम जल्दी से कोई चीज नदी में फेंको। अगर फेंकने में देरी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शर्त के मुताबिक अब मैं नदी में जाकर उस चीज को ढूंढूंगा जो तुमने नदी में फेंकी है। मिल गई सुई। तुमने ये सुई नदी में फेंकी थी, मैं इसे ढूंढ लाया हूँ। शर्त के मुताबिक अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे मैं तुम सबको एक साथ मारूंगा। अब बारी तुम्हारी है। तुम सफेद टोपी वाले नदी में कुछ फेंको, मैं पलट रहा हूँ। शर्त के मुताबिक मैं फिर से नदी में जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी फेंकी हुई चीज लाने में नाकाम रहा तो तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, वरना मरने के लिए तैयार रहना। मिल गई चिप। तुमने ये चिप नदी में फेंकी थी, मैं इसे ढूंढ लाया हूँ। शर्त के मुताबिक अब तुम्हारी मौत भी निश्चित है। अब बारी तुम्हारी है और तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी ये मुस्कुराहट अभी खत्म हो जाएगी। मैं पलट रहा हूँ, तुम भी जल्दी से नदी में कुछ फेंको। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब मैं नदी में जाता हूँ और उसे ढूंढ कर लाता हूँ। अरे, नदी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। पूरी नदी खंगाल डाली लेकिन नदी में कुछ भी नहीं। लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? मेरे आका, मैं आपसे हार गया। आज से मैं आपका गुलाम हुआ। बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? सबसे पहले तुम ये वादा करो कि तुम इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जो हुक्म मेरे आका, मैं इनकी जिंदगी बख्शता हूँ। लेकिन मेरे आका, मुझे ये तो बता दीजिए कि आखिर आपने नदी में क्या फेंका था जिसे मैं ढूंढ नहीं सका। तुम अगर जिन हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। मैंने नदी में डस्टबिन फेंकी थी जो पानी में जाते ही घुल गई, फिर तुम उसे कैसे ढूंढ पाते? बच्चू, अब तुम हमारे साथ चलो। चलो अब हम तुम्हें दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में तुम्हारे लिए बहुत काम है, तुमसे देश हित में काम कराएंगे।